अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। उन्होंने डायरेक्ट ही बोले, मैडम बोला कि संस्था ले आओ, अब उन्होंने जांच करी, डायरेक्ट बोल दिया संस्था ले। बुखार लगभग कौन सी उसको सामने आता था, हल्का था, दो तारीख को लगभग इसको हल्का सा। इसमें क्या है? पानी के इसके अंदर। अच्छा, ये तो बेसन को मिला, किसी को भी पिलाओ भैया, उससे मतलब नहीं है। पानी में कीड़े ना हो, मच्छर बनते हैं। नहीं वो आज ही भरा है, वो दिख रहा है, तो अलग दिख जाता है। चले तो उधर ऊपर से देख लो ना, पानी ऊपर। नहीं नहीं, उसमें क्या है? अरे इसमें हम लोगों को ये देखना है कि इसमें वो मच्छर की कीड़े तो नहीं है। 7 दिन से ज़्यादा पानी हो जाता है ना, तो उसमें वो कीड़े पनपते, उसमें वो मच्छर बन जाते। उसका पानी आपने कल ही बदला है। दो भाई है, मतलब बड़ी लड़की है। तीन भाई रहते हैं, एक बहन दो भाई। ठीक है। अच्छा, और घर में और किसी को इस तरह की तकलीफ हुई? बुखार उसके जैसा है? नहीं, उसके पापा को आया था। उसके पापा को क्या होता है, कई बार जैसे पुराने कंटेनर हो जाते हैं ना, ये डेली खाली होते रहते हैं सर। ठीक है, पानी ज्यादा दिन के कपड़े से थोड़ा सा रखना है, कपड़ा कहीं डाल दे इस पर पानी ज़्यादा मच्छर के हमारे यहाँ बच्ची की दादी तो बड़ी बच्ची के बड़े पास। एक चीज़ बताइए, जैसे बच्ची को शुरुआत में क्या क्या बोल रहा है? उसको रखा था, सुबह बुखार आया। अच्छा, बुखार आया, बुखार आया हल्का था उसको। उसके बाद में अपन डायरेक्ट उसकी माँ ले गए। अच्छा, और आपको क्या कहिए उससे 10-12 दिन पहले? हाँ, लड़की से पहले। आप कहीं बाहर गए थे? कोई शादी वगैरह में आसपास के ही गांव में? ये तो ज्यादा ही नहीं है। आपको सिर्फ बुखार है तो कुछ और भी हो रहा है? सिरदर्द, शरीर दर्द, जोड़ों में दर्द, अच्छा बुखार आ रहा है। कुछ बीमारी के कारण कोई बच्चों की मौत भी हुई थी? किस तरह की बीमारी चल रही है, क्या कुछ उसमें लक्षण पाए गए थे और आप इलाज के लिए दौड़े थे? सर, हम बीमारी कुछ नहीं थी, मतलब बुखार ही चढ़ा था उसको, बच्ची को शाम में चढ़ा था, सुबह में तो मतलब उस नॉर्मल टाइप बुखार ही था उसको। सुबह में ऐसे कैसे लेके हम लड़की को चले गए थे, सौंक ले गए थे उसको डायरेक्ट, तो जांच हुई, उसके बाद में डॉक्टर ने बोल दिया कि आप देवास ले जा सकते। ये आपने कभी जांच में ही बताया था कि हम उसको मंगली डॉक्टर के पास ले गए थे? यहाँ जो जिला अस्पताल सरकारी अस्पताल है वहाँ डॉक्टर के पास ले गए थे कि नहीं? सरकारी अस्पताल में नहीं, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहते, क्यों नहीं ले गए थे? क्या दिक्कत आ गई तो मंगली डॉक्टर ले गए? अरे तो सर, वो डायरेक्ट जैसे हम कभी जाते हैं बुखार ऊपर चढ़ता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हिसाब से मतलब अपने जान हिसाब से उसके पास जाते हैं हम। फिर क्या हुआ? अक्सर वो क्या है कि यहाँ पे अमुना गांव से रहता था, वो जब से हम बचपन से उसके पास इलाज उलाज चढ़ाते हैं, वो डॉक्टर अच्छा क्या हुआ से डायरेक्ट मतलब उसने बोल दिया कि आप वहाँ ले जाओ, देवास संस्कार का लिख दिया उसने, आप वहाँ ले जा सकते हो जी। तो वहाँ का इलाज चला घंटा दो घंटा का, मतलब लड़की फिर उनने वापस वहाँ संस्कार से लिख दिया आप इंदौर ले जाओ जी। तो इंदौर मतलब लड़की जानी पड़ी थी, इस कारण कुछ लोग बैठे होते डॉक्टर लोग, उसमें उनने आदि होगी भर्ती कर दिया। बुखार के साथ में क्या क्या था और समस्या? सर दुखना या जैसे नाक में खून भी आया था, वो संस्कार हॉस्पिटल में आ गया? संस्कार हॉस्पिटल में आ गया। उसके बुखार के साथ में और क्या था, मतलब सर भी दुख रहा था या फिर कुछ और? वो तो सर लड़की बता ही नहीं पा रही थी, अपने वो बता ही नहीं पा रही थी सर दुख रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उसका, मतलब उसने बता ही बोल ही नहीं पाया। क्या उम्र थी बालिका की? बालिका की उम्र थी सर 17। अच्छा, अभी उसने कक्षा 12वीं की परीक्षा दी थी। क्या नाम था बालिका का? उसका नाम शाहीन। अच्छा, अभी कोई परीक्षा भी दी थी उन्होंने? नहीं, उसने नहीं, वो बंद कर चुकी थी पढ़ाई। पढ़ाई बंद कर चुकी थी। अच्छा, एक बच्ची की और डेढ़ बता रहे हैं यहाँ पे, एक और क्यों थी, उसका क्या नाम था? उसका नाम अलीसा। अच्छा, उसको क्या हुआ था, कुछ जानकारी है आपको? उसका सर उसका इसका सेम एक ही सब हुआ, और एक ही रोज हुआ, गुरुवार के रोज उसका हुआ, नहीं गुरुवार के रोज स्कूल ले गई। दोनों साथ में रहती थी जैसे खेलना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, वो लड़की उज्जैन रहती थी अक्सर करके, तो वो जो लड़की थी वो मतलब वहाँ पे रहती थी उज्जैन, उसका मतलब पिताजी का घर यहाँ पे है, वो नाना नानी की बस रहती थी, बड़ी हुई वहीं पे थी, मतलब वो पढ़ती थी, तो मतलब छुट्टी के हिसाब से वो यहाँ पे आ गई। तो ऐसा
भी बच्ची वो जो लड़की है वो आपके घर पे ही हो और इन्होंने साथ में बैठ के खाना खाया हो या नहीं? आप बिल्कुल भी नहीं, वो लड़की यहाँ तक आती है। कैसे मिला मतलब वहाँ का, उसको कहाँ ले गए? उसको भी मतलब उसके पापा यहाँ से डायरेक्ट वहीं ले गए थे, यहाँ पे टोक खुर्दी ले, उसको सरकारी में ले गए थे, सरकारी में ले गए तो सरकारी में देखभाल करा उन्होंने, क्या नापातोली सही सरकार ने, उसके बाद में उन्हें डायरेक्ट लिख दिया उज्जैन का, तो वो उज्जैन लेगा मेडिकल कॉलेज। अच्छा, तो क्या लगता है इस गांव में एक बीमारी हुई थी अभी आपकी बालिका की मौत भी हुई और कई लोग बीमार भी हैं, क्या बुरा लक्षण आए थे उसमें बालिका में एकदम और आप फिर आप अस्पताल लेके गए, किस तरह से पूरा ये मामला हुआ? बुखार आया था, इलाज करवाया, कहाँ गए थे इलाज करने के लिए? अच्छा, फिर वहाँ क्या हुआ? किस तरह के लक्षण पाए थे उसमें, कैसे मतलब एकदम तबियत खराब? फिर अच्छा भाई, ये जो गुड़िया है आपकी, ये बता रहे हैं कि उज्जैन में रहती थी पहले, उज्जैन से यहाँ छुट्टी में आई थी वो, तो क्या ये उसको जब वो उज्जैन थी तभी उसको बीमारी हुई थी कि यहाँ आने पे हुई थी? नहीं नहीं, तो अभी उसने कक्षा 12वीं की परीक्षा भी दी थी, क्या रिजल्ट आया था उसका? अच्छा, बीमारी है और पहले हमारा वहाँ एक बच्ची 26 तारीख को डेथ हुई थी, उसके बाद हमें इतना शौक नहीं हुआ था कि ठीक है, मतलब बुखार आया था बच्ची के, पेट दुख रहा था, लीवर में सूजन थी, तो हमने उस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया था। जब सेकंड बच्ची की मेरे यहाँ डेथ हुई 36 तारीख को, तो फिर मेरे को थोड़ा सा सीरियस हो गया, मैंने यहाँ पर जो हमारे PMO है डॉक्टर कल्याणी मैडम, मैंने उनको फ़ोन किया, मैडम SSC बात है मेरे गांव के अंदर ये चीज़ हो रही है, मैंने तुरंत उनकी जो टीम थी उनको यहाँ पे भेजा रात में ही, रात में भेजा, दूसरे दिन से मेरा कैंप लगा हुआ और कैंप लगने के बाद उन लोगों ने फिर इसको सीरियस लेके और वो लोग अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जो शुरू दिन मेरे यहाँ पे मतलब पेशेंट आए थे, करीबन 130 की जाँच हुई थी, इसमें 70 बच्चे बुखार, फ्लू, हल्की हल्की बीमारी कुछ भी पाई गई थी, और आज जो है तो 4 पेशेंट आए अभी। जैसे जो जांच दल आया है उसने जांच की है घरों में, लार्वा सैंपल मिले जी, और उसके लिए आप जागरूकता के लिए क्या करेंगे? अब उसके लिए जागरूकता के लिए यही करूँगा मैं कि मैं गांव वालों को समझाऊंगा कि जो पानी अब नल रोज आ रहा है, पहले नल आते नहीं थे, अभी 2 महीने से नल रेगुलर हो रहा है, कोई एक आध दिन लाइट चली जाती है तो पानी नहीं आता, कोई लाइट खराब हो गई है तो स्टॉक कर लेते हैं, तो वो स्टॉक करके रख लेते हैं टंकियों के अंदर, उस वजह से ये हो रहा है कि वो एक टंकी यूज़ करते हैं जो पास में रखी होती है, जो 2 टंकी रखी होती है उसका यूज़ नहीं करते, तो मैं गाँव के अंदर घरों घर जाकर बोलूँगा कि आप एक टंकी को पहले खाली कर लें, खाली करना उसको ओंधी करके रखते हैं, दूसरी टंकी भरें और जो 8 टंकी भरे उसको दूसरे तीसरे दिन यूज़ करें। अच्छा, अभी स्वतंत्र दृष्टि का भी बता रहे हैं कि यहाँ पे जो यहाँ पे चिकित्सालय बहुत दूर है, उसके लिए भी प्रयास, उसके लिए प्रयास करने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। मैंने डॉक्टर की टीम से भी बोला, जो भी टीम आई है देवास से भी आई, हमारे यहाँ की लोकल जो भी टीम आई थी कल्याणी मैडम से भी मैंने रिकमेंड की है, और इंदौर से भी, भोपाल से भी जो टीम आई उनसे मैंने यही कहा कि यहाँ से सुविधा बहुत दूर है, अगर ये मेरे पास में अगर कोई ऐसा चिकित्सालय होता गाँव में, अगर ये चिकित्सालय होता तो मैं तो बच्चे नहीं होता। सही, आबादी कितनी है गाँव की? 2500। अरे अभी तक जो सैंपल और पंचायत के अंदर जो 5-500 के आसपास, कितने लोगों के सैंपल लिए हैं और कितने लोग बीमार हैं यहाँ पर आज की कंडीशन में? आज की कंडीशन के अंदर अगर देखा जाए, जांच करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि उज्जैन मेडिकल कॉलेज में ले जाओ, सीधे मेडिकल कॉलेज में लेकर गए थे, वहाँ पे से फिर उन लोगों ने जांच वाँच करी तो बताया नहीं था। हम उज्जैन में रहता हूँ, मैं उसका नाना हूँ, और मतलब मेरे पास तो 3 साल की थी जब से ही रह रही थी, 12वीं पास उसने मेरे वहीं करी, पूरी पढ़ाई उसकी फाइनल हो गई थी, 12वीं पास हो गई थी, उसके बाद वो यहाँ पे रमजानों में रोजा आता था, बच्ची ने रखा था रोजा, तो वो उस काम से ही आई थी, और उसी दिन उसकी मतलब सगाई हो गई थी, और जो है तो ईदी वगैरह भी आ गई थी, उसकी सारी खुशी वगैरह हो गई थी, महीने भर में तो मतलब वो घर से बाहर निकल गई थी। क्या मतलब ये कब से तबियत खराब हुई थी, उसी दिन ही हुई या पहले से तबियत खराब थी? ये मुझे पता नहीं, मैं तो मतलब उज्जैन में था, 26 तारीख को मेरे को मालूम पड़ा कि उज्जैन लेके आ रहे हैं, तो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में हम गए, उसके बाद पहले की मेरे को नहीं पता। आपका नाम? मेरा नाम चांद, उज्जैन में रहता हूँ, गांधी। क्या मामला था? बुखार आया था सर, तो वहाँ लेके था टोक खुर्दी के अस्पताल में, वहाँ जाके उसका ब्लड प्रेशर भी बहुत कम था और शुगर भी ज़्यादा थी, तो उन्होंने कम के हिसाब में ज़्यादा शुगर बढ़ा दी, उस हिसाब से इलाज कर दिया, कि डॉक्टर साहब दूसरा है उन्होंने जांच करी कि मैं जांच करता हूँ, तो उसमें ज़्यादा ही प्रतिष्ठा वगैरह पे चिल्लाए और उन्होंने ऐसी कैसी रेफर कर दी उसको आगे गाड़ी। तो क्या गलती डॉक्टर की मान रहा हूँ, गलती किसकी है? तो एक हिसाब से तो डॉक्टर की भी है ना। अच्छा, कब भर्ती करा था आपने उसको? 25 तारीख के दिन। और ये एक्सपायर कब हुई थी? उसी दिन 2 घंटे में तो वापस कर दी वहाँ पर उज्जैन में। क्या हुआ, क्या था उसको एकदम जैसा चक्कर? पेट में दुखने लगा था और उल्टी ज़्यादा करने लग गई। आपके जो गांव है यहाँ पे कितने 2 बच्ची की डेट होना अभी तक? अच्छा, उसकी क्या बता रहे हैं कि शादी भी होने वाली थी क्या? नहीं, होने वाली थी शादी, वादी सब करके करते हम सगाई करी थी, सगाई करी थी, रिश्ता हो गया था, मक्सी में सगाई कर दी थी।